हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि विंटर इज हेयर, तो विंटर में सबसे ज्यादा जो हमें प्रॉब्लम होती है, जी नहीं, मैं व्हाइट वॉकर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ड्राई स्किन की, चैप लिप्स की और हेयर प्रॉब्लम की, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब विंटर्स आती है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सभी प्रोडक्ट्स जो कि आपको रेस्क्यू करेंगे इन सभी प्रॉब्लम से और आपको विंटर्स की इन सभी प्रॉब्लम से बचाएंगे। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं सभी प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू आपको शॉर्ट में देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना गाइज। और वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप जरूर दे देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। नए हैं मेरे चैनल पे तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ एकदम सुबह से, अर्ली मॉर्निंग जब हम सुबह सो के उठते हैं और रेडी होने लगते हैं तो सबसे पहले हम यूज करते हैं फेस वॉश। तो विंटर्स में आप कोई भी ऑयल फ्री फेस वॉश यूज मत कीजिए, आप बिल्कुल माइल्ड वाला फेस वॉश यूज कीजिए। मैं यूज करती हूँ बायोटिक का ये हनी जेल फेस वॉश, इसके अलावा और भी बहुत सारे माइल्ड फेस वॉश जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तो भी आप थोड़ा अवॉइड करें और माइल्ड फेस वॉश ही यूज करें। स्किन को आप डेली एक्सफोलिएट ना करें, एक्सफोलिएट करना है क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और डेड स्किन की लेयर जो है वो फेस पे आ जाती है। तो एक्सफोलिएट करें लेकिन वीक में एक या दो बार ही करें, और सेंसिटिव स्किन है तो हो सके जितना हो सके उसको अवॉइड करें, वंस इन अ वीक ही करें। और यूज करती हूँ मैं उसके लिए क्लीन एंड क्लियर का ये माइल्ड डेली स्क्रब है, लेकिन मैं उसको वंस इन अ वीक ही यूज करती हूँ विंटर्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज्यादा अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करना है हमें विंटर्स में। बालों की केयर के लिए आपको वीक में दो बार बालों की ऑयलिंग करनी है, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, जो भी ऑयल आपको सूट करता है, डजंट मैटर आप कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको विंटर में दो बार बालों की ऑयलिंग जरूर करनी है, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है ना, हमारी स्कैल्प एकदम ड्राई हो जाती है, उसको बहुत ज्यादा नरिशमेंट की जरूरत होती है। तो आप जितना ज्यादा ऑयलिंग करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके बालों के लिए। शैम्पू के लिए सबसे बेस्ट है कि आप एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज करें, आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं, लेकिन विंटर में डेंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप जितना हो सके एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज करने की कोशिश करें। और बालों को कंडीशनर जरूर करें, क्योंकि मैंने कहा कि बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं तो उनको कंडीशनर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वॉश के बाद अगला हमारा स्टेप है टोनिंग, और आप यूज कर सकते हैं रोज वाटर भी और या फिर कोई अपना टोनर जो भी आपको सूट करता है, लेकिन इस स्टेप को भी बिल्कुल भी मिस ना करें। नेक्स्ट है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको कि आप मैजिकल प्रोडक्ट कह सकते हैं, और वो है ये एलोवेरा जेल। आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। ये जो एलोवेरा जेल है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपकी स्किन की रफनेस और ड्राइनेस को दूर करने के लिए। इसके अलावा ड्राई स्किन की वजह से अगर आपकी स्किन में कोई भी रैशेज या कुछ भी रेडनिंग होती है तो इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है वो उसको भी दूर कर देती है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट सनस्क्रीन, चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो, बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट को भूलना नहीं है। और सर्दियों में तो वैसे भी हमको धूप सेकने की बहुत ज्यादा आदत होती है, तो इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और लास्ट में आप अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पे एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ताकि आपका जितना भी मॉइस्चर है वो आपकी स्किन के अंदर लॉक रहे और आपकी जो स्किन है, जो आपका फेस है वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो। आप किसी भी ब्रांड का मॉइस्चराइजर या मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो यूज कर सकते हैं। विंटर्स में सिर्फ अपने फेस का और हेयर का ध्यान नहीं रखना है, बल्कि अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखना है, क्योंकि पूरी बॉडी में जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो होती है और एक व्हाइट कलर की लेयर जो है वो बॉडी के ऊपर बन जाती है। तो उसके लिए आपको यूज करना है कोई भी बॉडी लोशन, आप कोई भी बॉडी लोशन यूज कर सकते हैं। ये जो पॉन्ड्स का बॉडी लोशन है ये बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करता है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वैसलीन भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑलरेडी आप कोई मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं बॉडी के लिए, तो आप घर से निकलने से पहले एक बार नहाने के बाद अच्छे से पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज जरूर करें। विंटर्स में जो चीज सबसे ज्यादा अनॉय करती है वो होती है ड्राई लिप्स। जब आपके लिप्स एकदम ड्राई हो जाते हैं तो इतना अनकंफर्टेबल और अनप्लेजेंट फील होता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है लिप बाम। आप वैसलीन भी यूज कर सकते हैं, और मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसको हर वक्त अपने साथ रखें, और 2 to 3 hours के बाद या 4 to 5 hours के बाद जब भी आपको लगे कि हाँ लिप्स थोड़े से ड्राई हो रहे हैं तो उसको अप्लाई कर लें। रात को सोने से पहले आपको अपने हैंड्स को और फीट को दोनों को मॉइस्चराइज करके सोना है। आप कोई हैंड क्रीम या फुट क्रीम यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपना कोई मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले बिल्कुल भी हैंड्स को और फीट को ड्राई ना छोड़े, उनको अच्छे से मॉइस्चराइज करके ही सोए। और हो सके तो आप किसी भी ऑयल की 2 या 3 drops को अपने नेवल में डाल लें, अपनी नाभी में डाल लें, इससे आपको बहुत ज्यादा ड्राई लिप्स और ड्राई स्किन की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह नहाने जा रहे हैं तो अपने नहाने के पानी में भी अगर आप 2 या 3 drops ऑयल की मिला लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। और रात को आपको एक नाइट क्रीम यूज करके सोना है, अपने फेस को भी अच्छे से मॉइस्चराइज करके ही सोना है। 3 important things जो हर वक्त आपको अपने पास रखनी है, अपने पर्स में रखनी है, वो है एक कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लिप बाम और इसके अलावा एक एंटीसेप्टिक क्रीम। ये तीनों चीजें अगर आपके पास रहेंगी तो आपको किसी और प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी भी कहीं पर भी ड्राइनेस लग रही है आप मॉइस्चराइजेशन की क्रीम अप्लाई कर लें, और लिप्स के लिए आप अप्लाई करें ये लिप बाम, और इसके अलावा एंटीसेप्टिक क्रीम आप वहां अप्लाई करें जहां पे आपको लग रहा है कि
ड्राइनेस की वजह से थोड़ा दर्द हो रहा है या थोड़ा ब्लड आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल लिप्स पे या कभी कभी हमारी स्किन पे बहुत इचिंग और रेडनेस होती है, तो ये एंटीसेप्टिक क्रीम भी आप हमेशा अपने पास रखें। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि विंटर्स में अपना ख्याल कैसे रखें, और वीडियो आई होप कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक थम्स अप दे दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ गाइज, और वीडियो पसंद आया तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में गाइज, बाय बाय।